नमस्कार, मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ लखीसराय से चलकर इटौन पंचायत में पहुंचे हैं। अभी हमारे पीछे इटौन पंचायत से खड़े कैंडिडेट पूनम देवी हैं, जिनके पीछे ये सारी जनता है। लोगों का रुझान इनके तरफ काफ़ी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे की बात हम करेंगे, विकास का मुद्दा ही लोगों का मुख्य पहलू बना हुआ। आइए इस संबंध में एक दो लोगों से बात करते हैं और साथ में प्रत्याशी से भी बात करते हैं कि आखिर लोग इन्हें क्यों चाहेंगे और क्यों इन्हें आगे बढ़त बनाएंगे। जी, आप अपना नाम बताएंगे। एक बात बताइए, पंचायत चुनाव में आप मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, आखिर लोग आप ही के तरफ क्यों हैं? लोग ये चाहते हैं कि ऐसा स्वच्छ उम्मीदवार हो जो कि अपने पंचायत का विकास करे। एक बात बताइए, सुनने में आया है कि कभी आपके पिताजी भी इस मुखिया के पद पर सुशोभित रह चुके हैं। मेरे पिताजी सुशोभित रह चुके हैं इस पद पर। जी, आप बताएंगे आपका क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। ये बताइए कि मुखिया पद के उम्मीदवार जो हैं उनका क्या नाम है? पूनम देवी। लोगों का प्रतिशत कितना है आपकी तरफ? कम से कम काफी का 100% ओके है। इसका मुख्य कारण क्या होगा? मुख्य कारण ये है कि विकास नहीं हो सका है इटौन पंचायत में। बहुत सारे ऐसे योजना है जिसको रुका हुआ है, काम आगे नहीं हो सका है। उसके लिए हमारी बहन आई है कि हर एक छोटे मोटे काम को पूरा किया जाए। बेरोजगारी जो है काफ़ी बड़ी है, ना यहाँ पे सड़क की व्यवस्था है, ना ही नाला की व्यवस्था है, ना ही एक शौचालय की व्यवस्था है। ये सब देखते हुए हम लोग अपनी बहन को खड़ा किए हैं कि हमारी बहन जो है विकास करे और युवाओं बेरोजगारों को एक रोजगार का साधन दे। जी, आप बताएं आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं? हम साथ दे रहे हैं कि विकास 5 साल में जो खड़ा कैंडिडेट हुआ कुछ विकास नहीं किया। मनपुर बाजार में पूनम देवी जीतेगा, जो रुका है काम वो करेगा। मनोज चौहान उपलंग सगर धांधली मेरा नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ? आप किनका समर्थन कर रहे हैं? जी, आप बताइए आप किनका समर्थन कर रहे हैं? आप किनका समर्थन कर रहे हैं? पूनम देवी। जी, आप बताएंगे क्या कारण है कि आप इनका समर्थन कर रहे हैं? पूनम देवी, विकास चाहिए हमें, हम लोग नया सरकार बनाना नहीं। जी, आप बताइए आप किनका समर्थन कर रहे हैं? मेरा कहने मतलब यही हुआ कि मनोजपुर में जो है कि शौचालय नहीं बना है, मतलब 5 साल धनराज मुखिया रह चुका है, हमने शौचालय नहीं बना है, हर कोई दिक्कत होता है, रोड नहीं बना है। हम समर्थन कर रहे हैं, किनका समर्थन कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? जी, आप बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार चौहान हुआ। पूनम देवी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही अच्छे उम्मीदवार है और अच्छी तरह से हम लोग का काम कर। जी, आप बताइए आप किनका समर्थन करना चाह रहे हैं, क्यों? अभी आपने लोगों की बातों को सुना, ये लोग पूरी तरीके से विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो मुद्दा छूट गया, जो विकास का कार्य छूट गया, उसे ये हमारे पूनम देवी करके हमें देंगे। यानी पूरी सत्यता इन लोगों के पास ये बरत रही है कि किसी भी हाल में पूनम देवी की जीत होनी चाहिए और उसका इरादा भी पक्का ही है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि हर चुनाव का अगर माहौल जानने के लिए आप चाहते हैं तो मेरे साथ आप बने रहें।